तो सब्जी में क्या बनेगा, आइए पूछता हूँ अपने दोस्तों के साथ। दियार जी, हाय हेलो, सब्जी में क्या बनना है? सब्जी में मादी महुआ में आज कटहल की सब्जी, अचार, पापड़, भेलवा का डुप्लीकेट वो चीज बनेगा। चावल पक कर रेडी हो गए हैं, देख लीजिए हम लोग उनका चावल। अभी कटहल की सब्जी बनाएंगे क्योंकि हम लोग अभी जंगल क्षेत्र में हैं, तो कटहल यहाँ आसानी से मिल गया। दियार जी तोड़ लाए हैं, उस कटहल सब्जी को बनाएंगे, देख सकते हैं। सो हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल विद अनदर ब्लॉग्स। तो दोस्तों आप लोग कैसे हैं? उम्मीद करता हूँ आप लोग अच्छे हम स्वस्थ होंगे। आज हम लोग एक गवर्नमेंट स्कूल में काम करने आए हुए हैं जो कि ग्राम पंचायत तरगोती में पड़ता है। आप लोगों को बता देना चाहूँगा कि ये जो स्कूल है मादी महुआ स्कूल है, बहुत दिनों से और वर्षों से ये पोताई हुआ नहीं था। इस बार यहाँ नए टीचर आने के वजह से हम लोगों को यह न्योता मिला कि इस स्कूल को नया रूप से रंगा चंगा बनाना है। तो हम लोग ग्रुपिंग में काम करते हैं, डीआर आर्ट्स जी और मैं स्वयं अजीत आर्ट्स, तीन जने काम करते हैं। एक जने नहीं आए हैं हमारे साथ में जो कि किसी काम में फंसे हुए हैं, उनके जगह में एक और मेरे साथी हैं दिलीप जी। और हम लोग इसको बहुत ही अच्छी तरीके से करेंगे, कोशिश करेंगे बढ़िया रंग के। अभी फिलहाल देख सकते हैं कि वाइटिंग लगा रहे हैं, सामने का कंप्लीट हो चुका है, दिखा देना चाहता हूँ। ये देख लीजिए, सामने और उस साइड का हो चुका है, वाइटिंग लगा चुके हैं। इसके बाद हम लोग कलरफुल बनाएंगे और आज दिन भर का ब्लॉग हम लोग का आज यहीं रहेगा और आप लोगों को यहीं से दिखाऊंगा। और बहुत अच्छा लगेगा, वर्षों पुराना स्कूल था और बहुत ही डैमेज स्कूल था, उसको हम लोग ठीक करने की कोशिश करेंगे। और यह भी सोच करके यहाँ के टीचर बुलाए हैं हम लोगों को कि अच्छा हो जाए पेंटर लोग, और ख़ास करके हम लोग इस लखनपुर क्षेत्र का लगभग सभी स्कूल को हम पेंटिंग किए हैं और काफ़ी सराहनीय रहा। हमारे साथ डीआर जी रहते हैं हमेशा, उनसे जानते हैं। आइए थोड़ा सा मुलाकात कराता हूँ आप लोगों को। हेलो सर, नमस्कार। नमस्कार, हाँ जी हाँ, काम करने में आपको कैसे लग रहा है? बहुत ही बढ़िया, सुखद अनुभूति अभी तक। जी जी, और मौसम का कैसा हाल है आपके? मौसम का हाल बता दीजिए हमारे व्यूअर्स को, इधर देख करके देखिए मौसम कैसे है। मौसम का हाल अभी ठीक ठाक है, लेकिन कुछ समय में मौसम का बदलाव हो सकता है, ऐसा भविष्यवाणी। काम में बिजी है थोड़ा, अभी बोल नहीं पा रहे हैं अपना, लेकिन खैर आगे वीडियो में बहुत ज़्यादा इनका एक्सपीरियंस होगा, तो बने रहिए हमारे साथ में। और चैनल में अब नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस जरूर कीजिएगा। तो अभी हम लोगों का सब्जी बन रहा है, देख सकते हैं हम लोग चढ़ा देते हैं, मैं चढ़ाने की कोशिश कर रहा हूँ। देखिए सब्जी बन जाने के बाद हम लोग खाना वाना खा लेंगे, फिर दोबारा काम में लग जाएंगे। मैं खैर अभी किचन में हूँ, बाकी लोग सब काम में हैं, तो उनका मैं शुक्रगुजार करता हूँ कि वो लोग काम में हैं और कोशिश करेंगे हम लोग एक ही दिन में करने के लिए। हो सकता है कल बच जाए तो हम लोग कर लेंगे कल आ करके, तो आधा से अधिक काम हो जाएगा। तो फाइनली हम लोगों का सब्जी भी रेडी हो गया है, अभी हम लोग नहा धोवा करके खाना लंच कर लेंगे। अभी हम लोग लंच कर लेंगे, उसके बाद काम में भिड़ेंगे। दियार जी चलिए, हो गया है बिल्कुल बिल्कुल, हाथ पैर थोड़ा सा धो लीजिए, उसके बाद लंच करेंगे फिर पुनः काम में लग जाएंगे। तो हम लोगों का खाना रेडी है, देख सकते हैं हमारे साथी डीआर आर्ट जी निकालते हुए, आपकी इज्जत करते हैं, हाथ से अपने हाथ से निकाल रहे हैं, एक भी नहीं बचना चाहिए। अब सब्जी की बारी है हम लोगों का, कटहल सब्जी। भोजन हाथ में आ चुकी है और देखिए स्टार्ट हो गया है, विजय हो गया है,
करिए। देखिए हम लोग सभी तीनों खाने के लिए स्टार्ट कर चुके हैं। तो गाइस अभी हम लोग खाना पीना खा के रेडी हो चुके हैं और काम करने के लिए भी रेडी हो गए हैं तो चलिए देखते हैं। ये देख सकते हैं काम चालू हो गया है। दिलीप ऊपर चढ़ा था। हाँ। दिलीप साहब ऊपर चढ़ रहे हैं। भरपूर हाइट का उपयोग करते हैं पोताई में जी, किसी प्रकार की कोई तकलीफ नहीं होता है। जहाँ तक दिलीप सिंह को, दिलीप सिंह जुदे हो। देखिए लड़का चढ़ गया है और बिना किसी डर से भय से फटाफट ब्रश लगा रहे हैं। जूता ब्रश का उपयोग करते हैं, देख सकते हैं कलर थोड़ा सा फीका है दोस्तों। ये हम लोगों की कमजोरी नहीं है, बोलना चाहिए जानकारी ना होने के कारण ये इसे मंगाया गया था। ठीक, इधर का पीला रंगाई पोताई हो गया है। अब हम लोग हरा में जाएंगे, साज सज्जा जल्दी से करेंगे और ऊपर पट्टी में लगाएंगे बीड वगैरह में। और देख सकते हैं इधर का भी हो रहा है और बाकी उस पार का है, उसको भी जल्दी जल्दी कर लेते हैं। उसके बाद में हम लोग रंगाई पोताई के लिए साज सज्जा में लग जाएंगे, तब तक बने रहिए। ये देखिए दोस्तों लगभग हम लोग पूरा पोताई कर चुके हैं, देख सकते हैं। मतलब पेंट का क्वालिटी ठीक नहीं था दोस्तों, इसलिए उतना चमकदार नहीं दिख रहा है। आप लोगों को दिखा देना चाहूँगा इस पार से। ये देखिए इधर से देखिए, बहुत ही शानदार कलर तो नहीं कहा जा सकता है और स्कूल के बजाय, मगर ठीक ही है। तो प्यारे दोस्तों अभी शाम होने को जा रहा है, इसलिए हम लोग काम भी बंद कर रहे हैं। दूर जाना है इसलिए स्कूल का नाम हम लोग नहीं लिख पाए हैं, वो हम लोग कल आकर के लिख देंगे। और कुछ अंदर का काम भी बाकी है, उसे भी करेंगे। तो तब तक कल के लिए वो वेट कीजिए, तब तक कल के लिए वेट कीजिए और मिलेंगे कल, है ना। तो तब तक मुझे इजाज़त दीजिए और मेरे दोस्त लोगों को इजाज़त दीजिए। हम लोग घर चले जाएंगे, आपके आशीर्वाद से अच्छे से पहुंच जाएंगे। जय हिंद दोस्तों, आप लोग कैसे हैं। मादी महुआ स्कूल पेंटिंग का आज दूसरा दिन हम लोग आ चुके हैं और अभी काम में लग चुके हैं। हम लोग आज सुबह से लेट हो गए थे, इसलिए आने के बाद में हम लोग काम जल्दी ही लग गए और मैं ब्लॉग बनाने नहीं सका। और मैं आते के साथ ही मैं ऊपर लिखना स्टार्ट कर दिया, देख सकते हैं शासकीय प्राथमिक शाला। अभी एक वहाँ लिखना बाकी रह गया है, कंप्लीट नहीं हुआ है। और अंदर दिखा देना चाहता हूँ, ये रहे हमारे साहब जी, देखिए ये भीड़ गए हैं और एक जन साथी उधर बाहर कर रहे हैं। हम लोग इसको तीनों रूम को करेंगे। देखिए ये रहा एक क्लासरूम, सृजन कक्ष, कार्यालय हो चुका है। और ये जो बरामदा है इसे भी करेंगे और इसमें का जो भी वॉल पेंटिंग होगा, ये ऊंचाई नापे वाला जिराफ बनना होगा, ये भी बनाएंगे हम लोग। और ये रहा किचन सेट हम लोगों का, जिसमें हम लोग कल खाना पीना खाया है। तो ठीक है, बने रहिए हमारे साथ में दोस्तों। मैं जा रहा हूँ ऊपर, अकेले हूँ इसलिए वीडियो शूट नहीं कर पाऊँगा मैं। और ऊपर जाऊँगा तो फिर जल्दी वापस नहीं आऊँगा, तो बने रहिए हमारे साथ में, आप लोगों का प्यार बना रहे। आज मैं अपना ड्रेस नहीं लेके आया हूँ, इसलिए आज मेरे सहयोगी साथी DRRG का ड्रेस पहन लिया हूँ, देख लीजिए। और
अपने स्वयं खुले बदन में है बॉडीगार्ड, अपना बॉडी का अच्छा देखभाल करते हैं और पसीना सोखने में पसीना कम आते हैं इनके में, देख सकते हैं काफी हिस्ट पुष्ट शरीर है इनका, वजन लगभग और इनका वजन लगभग 72 से भी अधिक, और इनका हाइट लगभग 6.5 फीट आसपास, अंदाजा लगा सकते हैं कितने बड़े महान खिलाड़ी हैं। और इनका लंबा लंबा सिक्स भी अनुमानित जाता है। ये रहा शासकीय प्राथमिक शाला माधी महुआ, लिख करके कंप्लीट कर चुका। हम लोग माधी महुआ के स्कूल को तैयार कर दिए हैं और कल आएंगे तो फिर दूसरे स्कूल में भिड़ेंगे, उसका वीडियो वाला दिखाएंगे। और हम लोग, आप लोग सोच रहे होंगे कि हम लोग क्यों अपना बदन से कपड़े उतार दिए हैं। दोस्तों, यहाँ अति धूप होने के कारण और यहाँ की उमस ज़्यादा बढ़ जाने के कारण हम लोग अपने बदन से वस्त्र उतार लिए और बेफिक्र होकर काम करने लगे। आप देख सकते हैं, इतने यहाँ जंगल होने से कोई मतलब नहीं है, जंगल से कोई ऑक्सीजन, सिर्फ ऑक्सीजन मिल रहा है और मज़ेदार हवा तो नहीं आ रहा है सुहावने। हम लोगों का स्कूल कंप्लीट हो गया दोस्तों, देख लीजिए, ये रहा, देख लीजिए इसको, देखिए अभी लिखे हैं ये, और अंदर देख लीजिए राजश्री सी बीच और में, इस बीच में राजश्री हम लोग इसलिए खा रहे हैं काहे कि थोड़ा सा फ्रेश भी होना है और फ्रेश होके अपना शरीर को धो धा के घर निकलना है, इसीलिए थोड़ा सा जल्दी में है। राजश्री और हो रहे हैं राजश्री, धूम्रपान करना सेहत के लिए हानिकारक होता है दोस्तों, यह बात याद रखना। ये हम लोग सिर्फ दिखाने के लिए आप लोगों को बता रहे हैं, और यूज करना, उपयोग करना बिल्कुल नहीं है आप लोगों को। राजश्री यूज करने की वजह से इनका शरीर थोड़ा सा धुमलापन आ गया है। अगर अपन दिखता हो